तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे एक सलवार सूट का डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इसी जो मोटिव हमने यहाँ पे रखा हुआ है ये वाला फोल्डर में, सलवार सूट मोटिव करके एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ, उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट मोटिव रखा हुआ, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर रखा हुआ है, अलग अलग से बारोक का पूरा डिज़ाइन रखा हुआ है, जो कि बारोक का पूरा अलग अलग मैंने मोटिव डाउनलोड करके इंटरनेट से रखा हुआ है, फ्लावर भी अलग अलग रखा हुआ है। एंड इसका अलग अलग स्टॉक हमारे पास रखते रहते हैं, एज अ डिज़ाइनर फ्लावर्स का अलग फोल्डर रहता है, टेक्सचर का अलग फोल्डर रहता है, मैं जस्ट यहाँ से ही कॉपी करके इस फोल्डर में रखा हुआ, ताकि आप लोगों को मैं एक पूरा सलवार सूट का डिज़ाइन बहुत ईजिली बना के दिखा पाऊँ। एंड यही मोटिव से पूरा एक मैं सलवार सूट का डिज़ाइन बनाऊंगा, हो सकता है डिज़ाइन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे बनाने के लिए, बिकॉज मैं जस्ट रैंडमली पूरा डिज़ाइन को बना रहा हूँ, एंड अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, थोड़ा सा बाहर आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो इसलिए मैं जस्ट आप लोगों को वादा किया था कि संडे को बनाना है, तो इसलिए मैं जस्ट बना रहा हूँ अपने लैपटॉप में। तो पूरा डिज़ाइन को आप अच्छे से देखिए, समझिए, एंड इसके रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरा सलवार सूट का डिज़ाइन को मैं समझा पाऊँ, ठीक है। सो चलिए अपने पीसी में चलते हैं, फिर फोटोशॉप में ले जाकर आपको पूरा प्रैक्टिकली पूरा डिज़ाइन को कैसे आप सलवार सूट का एक डिज़ाइन बना पाएंगे, जो कि आपने थंबनेल में देखा है, वो पूरा डिज़ाइन कैसे आप बना पाएंगे उसको मैं आपको पूरा डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। ओके, शॉप में अपने फोटोशॉप में आपको दिख रहा होगा, मैंने फोटोशॉप का अभी पूरा पेज खोल कर रखा हुआ है, जस्ट मैं आपको न्यू डॉक्यूमेंट पहले लूँगा, उसका उस फोटोशॉप का जो साइज़ लेना जरूरी है, पहले आपको न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, देन आपका साइजिंग का डॉक्यूमेंट आ जाएगा, देन उसका साइजिंग जो हमें लेना पड़ेगा, ज़रूरत जो हमें पड़ता है एक सूट दुपट्टा बनाने के लिए, जो मैं आपको पहले ही बताया, एक सूट का डिज़ाइन बनाने के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 48 इंच का हाइट रहता है, जो कि एक लॉन्ग सूट का हाइट रहता है, एंड आपको जो विथ है वो आपका 32 इंच रह सकता है, आपको आप 44 इंच रह सकते हैं, एंड इवन 28 इंच का भी अभी का टाइम में कुर्ती या तो सूट का डिज़ाइन बनाया जाता है, मैंने भी बनाया है कुछ रिसेंटली, तो इसलिए मैं आपको बता दिया, अपडेट दे दिया, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होता है कि 32 एंड 44 इंच का ही पूरा जो कि एक सूट का जो फ्रंट या तो बैक का विथ होता है, ठीक है। तो इस डिज़ाइन में मैं स्पेशली इसका 32 का विथ लेता हूँ इंच के हिसाब से, एंड हाइट का लेते हैं 48 का हाइट लेते हैं। ओके, तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि 32 का अपने को विथ लेना है एंड 48 का अपने हाइट लेना है, तो 48 एंड 32 का क्या होता है एक्चुअल में वो भी आपको बता दूँ, सेंटीमीटर में, जस्ट मैम अगर सेंटीमीटर में इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक 81.28 सेंटीमीटर का कुछ उसका विथ होता है, एंड 1.21 का उसका सेंटीमीटर का हाइट होता है, इट मीन्स होता है कि 1.21 मीटर का एक पूरा, अगर इसको हम मीटर में देखेंगे, मिलीमीटर में देखिए, आपको मिलीमीटर तो आपको पता चले, सेंटीमीटर का जो कि 121 सेंटीमीटर में 1 मीटर, मतलब 1 मीटर 20 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कोई भी क्लाइंट आपको बोल देता है कि हमें हाइट जो है कि 1 मीटर 20 पॉइंट का लेना होता है, एंड 80 सेंटीमीटर का हमारा, या तो 80 पॉइंट का हमारा विथ होना चाहिए एक सूट का या तो कुर्ती का जो फ्रंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ में, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता दिया, 80 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर का आपको विथ लेना है, एंड हाइट लेना है 121 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इंच में जो कि हमारा एवरेज लिया है 32 बाई 48 इंच का, ओके, तो आपको 32 बाई 48 इंच का एवरेज लेना है, रेजोल्यूशन 150 लेना है, एंड देन आपको काम शुरू करना है। तो अब रेजोल्यूशन में 150 मैंने क्यों लिया, इसका रीज़न ये है कि कभी भी हम कोई भी टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में हम अगर कोई भी मोटिव को जस्ट डाउनलोड करके पूरा डिज़ाइन को बनाना है, जस्ट अगर मोटिव को वेराइटी टाइप का मोटिव लेके बनाना चाहिए, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए कुछ मैंने यहाँ पे मोटिव अलग से रखा हुआ है, एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी सूट दुपट्टे का डिज़ाइन जब आप बनाने जाए उसमें आपको मोटिव सिलेक्शन पहले आपको करना चाहिए, देन ही आप कोई भी डिज़ाइन बनाने जाए, ताकि आपका डिज़ाइन बहुत ईजी एंड फास्ट तरीके से बने, तभी आपका एक डिज़ाइन अच्छे से बन पाएगा, और आप क्योंकि पहले से आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले ही बताया कि सूट दुपट्टे का डिज़ाइन बनाने के लिए पहले आपका माइंड सेटअप होना चाहिए, पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपका डिज़ाइन का मोटिव होना चाहिए, कैसे उसको प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने बारूक का मोटिव लिया हुआ, जैसे कि बारूक में अलग दिख यहाँ पे दिख रहा है आपको, पाइप टाइप का एक रखा हुआ है यहाँ पे, बारूक टाइप का दूसरा एक मोटिव है, बारूक का दूसरा एक और एक टाइप का मोटिव, जस्ट मैंने इंटरनेट से डाउनलोड ही किया हुआ है, एंड उसका अगर आप अगर चाहते हैं कि इसके रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बनाऊँ जिसमें इंटरनेट से डाउनलोड कैसे किया जाता है एक बारूक टाइप का मोटिव, कैसे इस टाइप का गोल्डन टाइप का बॉर्डर डाउनलोड किया जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम ये भी एक प्रॉब्लम हो जाते हैं कुछ कुछ डिज़ाइनर को, ये भी उनको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होते हैं, तो हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस टाइप का वीडियो का अगर रिक्वेस्ट आप कमेंट सेक्शन में जरूर करेगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग में वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिससे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कौन सा आपको बारूक कैसे कौन सा वेबसाइट से मिलेगा, कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, ओके। एंड इस टाइप का फ्लावर तो बहुत ही नॉर्मल एंड बहुत कॉमन होता है, तो आई थिंक आपको फ्लावर देख के समझ आ ही रहा होगा कि कैसे पूरा फ्लावर का डिज़ाइन आपको यहाँ से लिया गया है, फ्लावर जस्ट कॉमन फ्लावर है, आपको दिख ही रहा होगा, जस्ट इंटरनेट से आप फाइंड आउट करेंगे, यानडेक्स या तो गूगल पे सर्च आउट करेंगे तो इस टाइप का फ्लावर आपको मिल ही जाएगा, ओके। एंड देन एंड डोंट वरी गाइस, इस टाइप का जो भी मैंने यहाँ पे जो बना रहे गया पूरा ऑर्नामेंट लिया हुआ, जो भी आपको मोटिव लिया हुआ, सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके ऊपर से आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट काम हमारा
मोटिव सिलेक्शन हो गया। दूसरा काम हमारा होगा अभी फोटोशॉप में जाएंगे, फोटोशॉप में जाने के बाद हमें पूरा अभी एक विथ एंड हाइट का पूरा साइज लेना है। नेक्स्ट हमारा काम रहेगा उसका हम बैकग्राउंड सिलेक्शन लेंगे, कौन सा कलर का बैकग्राउंड हम देना चाहते हैं। जैसे मैं मोस्ट प्रॉब्ली एक कोई भी डिजाइन बनाने के लिए जस्ट पहले एक सॉलिड कलर का कोई भी लेयर ले लेता हूँ। जस्ट अगर मैं इसको अगर मरून कलर में बनाना चाहूँ या तो जो कि बेसिकली कोई भी डार्क टेस्ट में कोई भी सूट दुपट्टा डिजाइन बहुत अच्छा है, बहुत ईजी बन जाता है, इसलिए मैं कोई डार्क कलर का एक कलर लेता हूँ। जैसे मुझे मरून ले सकते हैं आप, नेवी ब्लू ले सकते हैं आप, कॉफी टाइप का कोई कलर ले सकते हैं, या तो आप वाइन टाइप का कोई या तो कलर ले सकते हैं जो कि वाइन टाइप का इस टाइप का कोई कलर ले सकते हैं, या तो आप बॉटल ग्रीन टाइप का कोई कलर ले सकते हैं इस टाइप का कोई कलर। सो बेसिकली डार्क कलर में बहुत ईजिली डिजाइने बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। एंड लाइट कलर में भी बनते हैं, बट लाइट कलर में टेक्सचरल इफेक्ट को बहुत अच्छे से हाईलाइट करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं आपको जो कि ऑर्नामेंटेड टाइप का डिज़ाइन देके पूरा एक डिज़ाइन जैसे बनाए जाते हैं सूट दुपट्टे का कुर्ती का, तो उसी का मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जस्ट मैं आपको मरून कलर का एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ एंड उसके बाद हम इसमें अभी बॉर्डर प्लेसमेंट करेंगे एंड उसके साथ साथ बाकी का जो भी मोटिव हम यहाँ पे लेके रखा हुआ है वो सारा मोटिव एक बार मैं यहाँ पे एक एक करके खोलता हूँ। या तो आप चाहे तो इस सारा मोटिव को एक बार आप पूरा इस डॉक्यूमेंट में लेके रख सकते हैं ताकि आपके बनाने के लिए ईजी हो, आप इजीली उसको असेंबलिंग कर पाए, आप इजीली उसको लेयर वाइज रख पाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं काफ़ी बार ऐसा भी करता हूँ कि पूरा मोटिव जो है असेंबलिंग करके रख देता हूँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं जस्ट जिसका ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वहाँ से उठाता हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक ही फोल्डर में उसको असेंबलिंग करके रख दिया ताकि हमारे लिए इजी हो, हम जस्ट समझ पाए क्या क्या हमारे पास है एंड कैसे हम पूरा डिज़ाइन को बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट काम हमारा ये हुआ। जैसे यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप अगर जस्ट उसको अगर प्लेसमेंट कर लेंगे जस्ट इसको ड्रैग करके इसके ऊपर से, तो क्या होता है जैसे यहाँ पे आपने जो जो इसका नाम रखा है, जैसे मैंने बोरुक वन रखा हुआ, इसको मैं पाइप भी रख सकता था, इसको मैं थंब रख सकता था, कुछ भी मैं रख सकता नाम इसको। जैसे मैंने बोरुक टू लिखा हुआ, इसको मैं दूसरा कोई भी एक मोटिव का नाम दे सकता है, इसको मैंने बोरुक थ्री दिया। अब जैसे कि यहाँ पे लेयर का नाम दिया हुआ है, जिसका जो मोटिव का नाम दिया वो यहाँ पे लेयर में नाम आ जाएगा, तो उसमें आपको पहचानने में ईजी होगा। जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड एक बार आपको पूरा वहाँ पे वो आ जाएगा। जैसे मैंने बरुक वन में क्लिक किया, बरुक टू में क्लिक किया, तो आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा कैसे आपको पूरा असेंबलिंग करना है, बिकॉज पहले से आपको मैं बता इसीलिए रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए, बहुत ईजिली काम कर पाए। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमें इसके ऊपर एक बॉर्डर सेट करना, जो कि हमारा यहाँ पे एक बॉर्डर देना पड़ेगा तभी एक पूरा डिज़ाइन का शुरुआत होगा। बिकॉज हमें कोई भी सलवार सूट का डिज़ाइन बॉर्डर से शुरुआत करते तो पहले हमें बॉर्डर देना पड़ेगा। बॉर्डर देने के लिए मैं बरुक वन का जो बॉर्डर वन है उसमें क्लिक करता हूँ, उसको जस्ट ओपन कर लेता हूँ। बॉर्डर का यहाँ पे एक मैंने पूरा जस्ट कटआउट करके रखा हुआ है, पूरा मोटिव लगभग रेडी है, उसको मैंने जस्ट इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, थोड़ा सा शार्पन मारा हुआ है, देन पूरा एक मोटिव को मैंने इसको रेडी कर लिया। अब बॉर्डर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें बॉर्डर का जो यहाँ पे जो गैप है, इसको जो लासा या तो इसका जो पट्टा बोला जाता है, वो पोर्शन को हमें 1 से 1.25 इंच तक छोड़ना पड़ता है। बिकॉज हम जब भी कोई भी एक सलवार सूट बनाते हैं उसमें ये वाला पोर्शन को थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, बिकॉज हो सकता है वो कटिंग में आ जाए, हो सकता है वो पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रखे तो उसका लुक भी थोड़ा सा अच्छा आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपनी टूल लिया एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्शन लेके यहाँ पर लेके आ जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड आप अगर यहाँ से इस तरीके से भी ले सकते हैं, जस्ट अपने 1 इंच इस तरीके से आप नाप सकते हैं, जैसे आप रैंडमली मैं जस्ट चूज़ कर लेता, आप यहाँ से इस तरीके से नाप सकते हैं, या तो आप जस्ट 1 इंच यहाँ से दे दिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीन लाइन ले लेना है। ओके, एंड आप अगर चाहे दूसरा कोई भी एक लेयर यहाँ पे ले लिया, देन इसको सिलेक्शन किया, देन इसको फिल किया, कंट्रोल टी दबाया एंड देन आप यहाँ से इस तरीके से भी 1 इंच ले सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। बेसिकली जो आपको इजी लगे वो स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो 1 इंच ले लिया एंड यहाँ पे आपके ग्राइड लाइन यहाँ पे दे दी। ओके, सो बेसिकली हमें 1 इंच का यहाँ पे गैप चाहिए, तो यहाँ पे हमने डाला बॉर्डर को। अब बॉर्डर को पूरा हम इसको रिपीट सेट करेंगे, रिपीट ओके ऑलमोस्ट ओके, नो प्रॉब्लम, तो हमारा बॉर्डर रिपीट हो गया। अब बॉर्डर को हम यहाँ पे जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमें अगर जरूरत नहीं है तो उसको हम मर्ज कर सकते हैं। अभी हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, इसमें हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं एंड उसको हम बॉर्डर सिलेक्शन लेते हैं। ठीक, सो हमने पहले बॉर्डर का काम कर लिया। अब जो कि मैंने बॉर्डर ऑलरेडी यहाँ पे अपने हिसाब से चूज करके रखा हुआ, तो बॉर्डर का जो साइज़ है वो भी मैं आपको बता दूँ। बॉर्डर का साइज़ जो है देखिए 2.5 या तो 2.69 यहाँ पे दिखा रहा है, तो मतलब एवरेजली एक बॉर्डर का साइज 2 से 3 इंच का होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखता है, और उससे कम होता है ना तो भी बहुत पतला दिखता है। तो आपको 2 से 3 इंच के बीच में आपको एक बॉर्डर का साइज रखना है। ओके, देन आपको इसमें जैसे कि मुझे लग रहा है ये बॉर्डर बहुत ही खाली खाली लगेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा बाउंडर देना चाहता हूँ। तो बाउंडर देने के लिए मैं दूसरा कोई एक बॉर्डर लेना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लग रहा है, तो इसको एक काम करें थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, या तो इसमें से कोई पोर्शन हम कटआउट कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो पोर्शन है उसको हम अलग से कटआउट करके रख सकते हैं, इसको जस्ट कंट्रोल जेड दबा के कटआउट कर लिया हमने, यहाँ पे हमारा दूसरा बॉर्डर आ गया। इस पोर्शन को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से एंड यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं।
इसको हम थोड़ा सा ग्रे कलर कर लेते हैं ताकि इसके साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में जाए। एंड ये वाला जो बॉर्डर है उसको मैं थोड़ा सा और गोल्डन करना चाहूँगा, थोड़ा सा और लुक अच्छा देने के लिए। ओके परफेक्ट। एंड इस तरीके से आपका बॉर्डर का लुक थोड़ा सा और आ जाएगा, ज़्यादा भी आप हाईलाइट मत कर दीजिए, उसका लुक थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट परफेक्ट मुझे लग रहा है, बॉर्डर हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, अभी इसको हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, देख लेते हैं इसको कहाँ पे कौन सा लुक देखे तो अच्छा लगे। एंड इस तरीके से हमने इसको फिल कर लिया। दैट्स इट। सब ने यहाँ पे बॉर्डर पे थोड़ा सा एक बाउंड्री देने का कोशिश किया इसका लुक थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। एंड इसमें मैं और एक चीज़ करना चाहूँगा, ये वाला जो छोटा बॉर्डर है इसको भी मैं छोटा सा यहाँ पे एक बार डालूंगा, तो उसका लुक देखते हैं उसका कैसा लुक आ रहा है। बिल्कुल जस्ट हमें एक्सपेरिमेंट करना है गाइस, जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना हमारा डिज़ाइन का क्रिएटिविटी निकल के आएगा हमारे से। बिकॉज हम जब एक कोई भी नया डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें हमें बार बार काफ़ी टाइम तक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तभी हमारा एक नया अच्छे से अच्छा डिज़ाइन निकल के आता है। अदरवाइज अगर आप जस्ट मतलब पहले से ही सोच कर रखेंगे मुझे ऐसा ऐसा देना है उसके हिसाब से मैं करना है, तो काफ़ी टाइम हो सकता है कि उस डिज़ाइन का लुक अच्छा नहीं आता, बट हमें वो करना पड़ता है। तो इसलिए हम एक्सपेरिमेंट जितना करेंगे उसका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। ओके okay, तो हमने बॉर्डर यहाँ पे डाल दिया। अब बॉर्डर को यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको रिपीट भी दे देता हूँ, कंट्रोल टी करके इसको मिरर पिक दे देता हूँ ताकि इसको लुक और थोड़ा सा बेटर आए। एंड हमने इसको रिपीट सेट कर लिया, परफेक्ट। तो हमारा ये 8 नंबर लेयर को पूरा मर्च किया, तो क्या हमारा बॉर्डर वाला लेयर हो गया, तो हमारा ऊपर का नीचे का दोनों का सेट हो गया। एंड हम अगर चाहे तो इसमें हम छोटा सा इस तरीके से बॉर्डर का लुक भी दे सकते हैं अगर हम चाहे तो, अदरवाइज अगर नहीं चाहे तो एक बार देख लेते हैं इसका लुक कैसा लग रहा है यहाँ पे देने के बाद। थोड़ा सा जूम छोटा कर लेते हैं, एंड काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, इसको अगर ऑफ करके देखते हैं एंड यही बेटर लग रहा है मुझे। लेकिन एक बार ये देख के रखता हूँ, अगर हमें इन फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर पाए। ओके सो हमारा बॉर्डर का काम अभी खत्म हुआ। बॉर्डर के बाद हमारा दूसरा क्या आता है, दूसरा हमें यहाँ पे कुछ मोटिव डालना पड़ेगा, हमें एक नेकलाइन बनाना पड़ेगा, हमें पूरा इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम एक कोई डिज़ाइन बना पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में कुर्ती वाला जो डिज़ाइन है उसमें भी आपको बताया था, कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसे कि ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए मैं इसमें ऐसा सोच के रखा हूँ, बिकॉज ये जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इस डिज़ाइन को बनाऊंगा, अगर 30 मिनट लग सकते हैं 40 मिनट लग सकते हैं, तो पता नहीं कैसा इसका क्या टाइम लगेगा, मुझे आइडिया नहीं है। इस डिज़ाइन को बनाना अभी चालू किया हूँ मैं, तो हो सकता है 30 मिनट में खत्म हो सकता है 40 मिनट भी लगे, बट कोशिश करेगा पूरा वीडियो को कंप्लीट करें ताकि आपको डिटेल में नॉलेज आए। तो पहले जब एक डिज़ाइन को शुरुआत करें तो उसमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना जरूरी है कि मैं यहाँ पे क्या मोटिव रखूंगा, इसका ये पूरे यहाँ पे अगर कुछ मोटिव रखना चाहिए यहाँ से क्या रखूंगा, यहाँ पे क्या रखूंगा, यहाँ पे क्या रखूंगा, वो पहले स्ट्रक्चर्ड होना जरूरी है। वो अगर माइंड में आपका क्लियर है तभी आपका डिज़ाइन में अच्छा लुक आएगा। जैसे मैं अगर इसको अगर फ्रेमवर्क एक करना चाहूँ, इसमें अगर फ्रेमवर्क मैं अगर डालना चाहूँ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं एक अलग से कुछ मोटिव देना चाहता हूँ। ओके एंड यहाँ पे मैं इसको अलग से कुछ मोटिव डाल दिया, तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर लिया एक बार एक कलर से। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं दूसरा एक अलग से कोई मोटिव डाला, जस्ट मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, दरअसल और कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे अलग से कुछ मोटिव डालूंगा, ठीक है। एंड देन मुझे एक मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ अलग से लुक आना चाहिए ताकि उसका लुक थोड़ा सा और बेटर आए। एंड यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अगर इस तरीके से कुछ आए, कुछ भी मतलब बेसिकली मैं इसको जस्ट एक लुक क्रिएट करें, तो इस तरीके से पूरा हम अगर इसमें मोटिव को प्लेसमेंट करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ अच्छा आने का संभावना है। तो एक हम एजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक फ्रेमवर्क दिखा, आई डोंट नो ये फ्रेमवर्क बेकार का हो सकता है, कोई काम का नहीं है, बट मैं एक जस्ट फ्रेमवर्क आपके लिए क्रिएट करके दिखा रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे कुछ मोटिव डालेंगे, यहाँ पे कुछ मोटिव, यहाँ पे कुछ मोटिव, यानी यहाँ पे कुछ मोटिव, ताकि एक पूरा फ्रंट का डिज़ाइन जो कि हमारे लिए रेडी करना बहुत ईजी पड़े। बिकॉज कभी भी कोई भी डिज़ाइन हम जब बनाएं उसका पहले ही हमें फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम एक डिज़ाइन को ईजिली प्लेसमेंट कर पाए, ईजिली उसमें जो मोटिव हमने लिया है उसको ईजिली प्लेसमेंट कर पाएंगे। इसको हम एकदम नीचे ले चले जाते हैं एंड यहाँ पे ले जाके जस्ट 2% कर देते हैं, एकदम ऑपोजिट ही कम, एंड देन हम इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो लॉक कर लिया तो हमारे ये मोटिव पूरा लेयर जो हिलेगा नहीं, उसमें हम टच करेंगे या तो कुछ भी करेंगे तो उसमें वो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट इट। तो लॉक कर लिया हमने। अब हमारा जो एक एक करके लेयर है उसमें हम खोलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा फ्लावर है, तो फ्लावर को मैं थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे फिलहाल रखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे प्लेसमेंट कर दिया। एंड दूसरा जैसे कि ये वाला बारूक का डिज़ाइन है, ठीक है। सो इसको मैं जस्ट इसको रिस्ट्रेस कर लेते हैं, फिलहाल के लिए अभी ज़रूरत नहीं है स्मार्ट बिट का, तो इसको हम रिस्ट्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे रख लिया। अब और उसमें जो दूसरा मोटिव है इसको भी हम एक बार रख लेते हैं, इसको हम जस्ट एक बार थोड़ा सा एनलाइज कर लेते हैं, ओके 2 से 3 इंच का साइज। एंड उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, एंड जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर रहे थे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी यहाँ पे जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारा है, तो अपने आप यहाँ पे जो
कलर ह्यू सैचुरेशन का दूसरा एक ऑप्शन रहता है, हम अगर इसमें कभी भी चेंज करना है तो कर सकते हैं, बट हमें अभी जरूरत नहीं है, तो उसको एक बार कलर चेंज करने के बाद रेस्टराइज कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट हमारा जो बरुक का लेयर है उसको भी हम यहाँ पे लाते हैं, बिकॉज हम जो ये सब ऑर्नामेंटल टाइप का लिया है बरुक टाइप का डिजाइन, वो यहाँ पे प्लेसमेंट करने का मैंने एक डिसीजन लिया है, तो यहाँ पे हम प्लेसमेंट करने का कोशिश करेंगे। ओके ओके तो ये वाला मोटिव हमने यहाँ पे रख लिया। दूसरा अब जो बाकी हमारा बस क्या है, अब ये वाला मोटिव, इसको बॉर्डर तो हमारा अभी कोई काम का जरूरत नहीं है, तो बॉर्डर को एक बार हम क्या करते हैं, इसको एकदम बैकग्राउंड के नीचे यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि अभी हमारा वो ज़रूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्या ज़रूरत पड़ता है, बरुक नेक, और नेक का हम जब जब बनाएंगे तो उस टाइम हमें नेक जरूरत पड़ेगा। इस टाइप का बरुक का एक नेक का डिज़ाइन पूरा बना के रख सकते हैं, उसका भी मैं टेक्निक आपको बता दूंगा, वीडियो का लास्ट तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप इसको इस टाइप का एक नेक का डिज़ाइन भी कैसे आप बना पाएंगे, उसमें आप कैसे इसको थोड़ा सा लहरिया टाइप का पूरा बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके देन हम यहाँ पे एक बार दूसरा जो मोटिव हमारा कौन सा है इसको, हाँ ये वाला जो फ्लावर है उसको मैं थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा छोटा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा 4-5 इंच का कर लेते हैं एंड यहाँ पे रख लेते हैं। ये वाला मोटिव भी यहाँ पे हमारा काम आएगा। एंड ये वाला एक फ्लावर मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट किया, जस्ट व्हाइट कलर का फ्लावर, मुझे लगा कि यहाँ पे एक डार्क कलर का हम बैकग्राउंड का पूरा डिजाइन बनाने जा रहे थे, एक व्हाइट कलर का फ्लावर अगर कहीं पर हम प्लेस करेंगे तो उसका लुक थोड़ा सा अच्छा आ सकता है, इसलिए मैंने जस्ट लिया। इसमें कोई अभी इसमें कैसा क्या प्लेसमेंट करेंगे मैंने अभी डिसीजन ले लिया, जस्ट हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन यहाँ पे एक फ्लावर लिया, यहाँ पे भी एक फ्लावर पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ, इसमें भी पेयर स्ट्राइज कर लेते हैं। अभी हमारा फ्लावर में दूसरा कोई काम नहीं, तो उसको फ्लावर को हम कहीं पे प्लेसमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बार रख लेते हैं यहाँ पे, बाद में इसको प्लेसमेंट का देखते। दूसरा जो हमारा लेयर है ये वाला फ्लावर, ये वाला फ्लावर को भी हम एक बार यहाँ पे रखते हैं, बाद में हम इसका प्लेसमेंट देखेंगे। एंड ये वाला जो फ्लावर है इसको मैंने सोचा है इसको ये वाला पोर्शन में देंगे, थोड़ा सा दामन वाला पोर्शन को भरा हुआ दिखाने के लिए थोड़ा सा ये वाला फ्लावर को, बिकॉज ये फ्लावर का बंच पूरा यहाँ पे है तो उस बंच को हम काम पे लगाएंगे। ओके एंड देन हम यहाँ पे रखे कुछ बैकग्राउंड टेक्सचर, बैकग्राउंड टेक्सचर इसलिए रखा हुआ है कि कोई भी कुर्ती का डिज़ाइन बनाने के लिए एक बैकग्राउंड टेक्सचर का बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ता है, तभी इसका एक अच्छा लुक आता है, तो इसलिए कुर्ती का डिज़ाइन में बैकग्राउंड टेक्सचर का जरूरत पड़ता है। मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड टेक्सचर बहुत सारा बनाया हुआ है रखा हुआ है, इसलिए मैं बैकग्राउंड टेक्सचर एक यहाँ पे रख दिया है, अगर जरूरत पड़े तो उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड टेक्सचर है, 2-3 बैकग्राउंड टेक्सचर हम इसको यूज़ करेंगे, तो बैकग्राउंड टेक्सचर को एक बार हम यूज़ कर ही लेते हैं, बिकॉज बैकग्राउंड टेक्सचर काफ़ी ज़रूरत पड़ती हो जाता है एक डिजिटल प्रिंट डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है तो उसको जस्ट मैं यहाँ पे एक बार प्लेस कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा मर्ज कर लेता हूँ दोनों लेयर को, एंड देन इसको थोड़ा सा छोटा करते देन इसको हम यहाँ पे फिर से प्लेस कर लेते हैं। इसका रिपीट तो आ गया, बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप आया, कहीं पे थोड़ा सा कम आया, कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा आया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप कोई भी कुर्ती का डिज़ाइन बनाए या तो सूट का डिज़ाइन बनाए, सलवार सूट का डिज़ाइन बनाए, जिसमें बैकग्राउंड टेक्सचर का आपका जरूरत पड़ रहा है, तो उस टाइम आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कहाँ पे कैसा टेक्सचर का लुक आएगा। एंड जैसे कि दूसरा और एक टेक्सचर मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, वो टेक्सचर भी हम कहीं पे इसके ऊपर से स्मजिंग इफेक्ट दे सकते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम जस्ट सॉफ्ट लाइट यूज़ कर सकते हैं, इस वाले उसमें को हम कलर बर्निंग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अलग अलग आपका जो टेक्सचर इफेक्ट में जो ब्लेंडिंग मोड आते हैं वो ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर करके आप देख सकते हैं, उसके ऊपर से आप अपना डिज़ाइनिंग का रेशियो ढूंढ सकते हैं किस में आपका अच्छा लुक आ रहा है। ठीक है तो इस तरीके से हमने जस्ट एक बार हमने इसको एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में एक बार जस्ट इसको कलर बर्निंग इफेक्ट दे दिया हमने, एंड उसके साथ साथ सॉफ्ट लाइट का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लिया। ओके एंड इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो हम इसमें पर चेंजेस करेंगे। एंड यहाँ पे इसको भी एक बार क्या करते हैं, इसको रेस्टराइज कर लेते हैं एंड इसको भी 2-3 रिपीट मार के थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। ओके जैसे मुझे लग रहा है कि ये वाला पोर्शन में थोड़ा सा अच्छा लग सकता है, इसलिए ये वाला पोर्शन के बाद थोड़ा सा मैं मास्किंग कर लेता हूँ, और मास्किंग के लिए मैंने मास्किंग वाला कोई भी एक नॉर्मल ब्रश ले लेता हूँ एंड उसके बाद इसमें मास्किंग हल्का सा कर देते हैं। एंड मास्किंग के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी डिज़ाइनिंग में कोई प्रॉब्लम लगे तो मास्किंग के रिगार्डिंग आप रिक्वेस्ट जरूर करेगा कमेंट सेक्शन में, आपको मैं बता दूंगा मास्किंग कैसे किया जाता है, आपको बता दूंगा मैं स्मार्ट ग्रिड का कैसे क्या यूजेस होता है, क्योंकि काफ़ी जो डिज़ाइनर हो सकते हैं नए हैं, उनको स्मार्ट ग्रिड कैसे यूज़ होता है उनको नहीं आइडिया है, मास्किंग कैसे करते हैं उसको नहीं आइडिया है, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपको मास्किंग एंड स्मार्ट ग्रिड के बारे में और भी डिटेल में बताने। ओके इसको हल्का सा मैंने मास्किंग कर लिया इस तरीके से। ओके एंड देन कंट्रोल जे, देन इसको हम थोड़ा सा 90 डिग्री में घुमा लेते एक बार इस तरीके से, यहाँ पे रख देते जस्ट मैं ऐसे एग्जांपल रख रहा हूँ, पूरा डिज़ाइन जब कंप्लीट होगा उसको हम फाइनल टच देंगे। ठीक है एंड देन अब हम डिज़ाइन में थोड़ा सा प्लेसमेंट चेंज करते हैं, उसमें अलग अलग प्लेसमेंट करने की कोशिश करते, जैसे यहाँ पे मैंने फ्लावर दिया तो फ्लावर का प्लेसमेंट ओके है, यहाँ पे भी फ्लावर रखा हुआ तो फ्लावर का प्लेसमेंट ओके, यहाँ पे भी फ्लावर का प्लेसमेंट ओके। अब यहाँ पे हमें इसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसका लुक थोड़ा सा हम अलग क्रिएट करना चाहते हैं एक सलवार सूट डिज़ाइन के लिए, उसके हिसाब से देना चाहते हैं।
अब फर्स्ट काम हमारा होगा इसको हम प्लेसमेंट करना चाहें, जिसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम प्लेसमेंट करना शुरू करते हैं, देन यहाँ पे हम प्लेसमेंट करते हैं, देखते हैं इसको हम कॉर्नर में प्लेस करें तो कैसा लुक आए, काफ़ी अच्छा लुक लग सकता है। एंड उसके साथ साथ हम इसको अगर प्लेसमेंट करें तो कैसा लुक आए, इसमें भी काफ़ी अच्छा लुक लग सकता है। दैट्स इट। एंड इसको भी मैं सेंटर पॉइंट में ले रहता हूँ। अगर आप फोटोशॉप सीसी का कोई भी वर्जन यूज़ करें, आप अगर सीएससी अपना फोटोशॉप सीसी का 2017 यूज़ करें, 2019 यूज़ करें, 20 कोई भी, तो आपको पिंक कलर का एक गाइडलाइन दिख रहा है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट आपको उसको ड्रैग करो, यहाँ पे अलग अलग गाइडलाइन का पॉइंट दिख रहा है। आप अगर साइड में मर्ज करना चाहते तो साइड में आ जाएगा, ऊपर रखना चाहते तो ऊपर आ जाएगा, टच पॉइंट में दिख रहा है आपको। एंड उसके साथ सेंटर पॉइंट में रखना चाहते तो सेंटर पॉइंट में भी आपको रे दिखा रहा है, जो कि ये एक बहुत ईजी हो जाता है हमारे काम करने के लिए। ओके, देन हम इसको मर्ज कर लेते एक बार फिलहाल, एंड देन हम इस तरीके से इसको रिपीट बिठा देते। ओके, सो हमने एक बार इसको रिपीट बिठा लिया। एंड बारुक बारुक का जो ये वाला पोर्शन है इसको हम थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं ताकि इसका फुल मोटिफ आ जाए। दैट्स इट। एंड इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते, ज़्यादा छोटा नहीं। दैट्स इट। एंड इसको हम जस्ट यहाँ पे लगाते हैं फिर से। इसका जो कलर है वो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, इसके लिए थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा इसके साथ मर्जिंग कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है ऐसा, आप इसमें कलर अलग रख सकते हैं, उसमें कलर आप जरूर अलग रख सकते हैं, वैसा कोई जरूरी है, बिकॉज हम दो अलग अलग मोटिव लें, दोनों का अलग अलग कलर आप डेफिनेटली रख ही सकते हैं, तो कि उसका लुक और थोड़ा सा बेटर रख सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पे भी प्लेस किया सेम तरीके से। ओके, एंड देन हम इसको पूरा मोटिव को यहाँ पे लेके आए। सो हम यहाँ पे एक बेसिकली स्ट्रक्चर डे क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि आपका कुर्ती में एक सलवार सूट में काफ़ी अच्छा लुक। प्लेसमेंट करने के बाद हमारा दूसरा जो नेक्स्ट काम रहेगा, जिसका देखिए पूरा जो टेम्पल टेम्पल यहाँ पे दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा फ्लावर यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, ताकि उसका लुक थोड़ा सा और जेन्युइन दिखे और थोड़ा सा अच्छा लुक आए। उसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी फ्लावर का प्लेसमेंट करके रखा हुआ था, C32 करके जो फ्लावर है हमने यहाँ पे रखा हुआ था। इस फ्लावर को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ये वाला फ्लावर को हम फिर इसको घुमा के 180 डिग्री में घुमा के इसको जस्ट, या तो 90 डिग्री में घुमा के इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि इसका लुक थोड़ा सा जो है और थोड़ा सा बेटर लगे। एंड इस तरीके से हम अलग अलग फ्लावर का प्लेसमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड देन दूसरा जो फ्लावर हमारा रखा था उसी फ्लावर को भी मैं एक बार ले लेता हूँ, ये वाला फ्लावर। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बेटर लुक देने के लिए इस तरीके से हम यहाँ पे ये वाला फ्लावर को रख सकते हैं, या तो ये फ्लावर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसी ये वाला फ्लावर को हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। इसका भी लुक उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो ये वाला फ्लावर को हम एक बार इसके ऊपर रख सकते हैं, ये वाला फ्लावर को हम इसके ऊपर रख सकते हैं, ताकि बेसिकली इसका लुक जो है ना फ्लावर के साथ थोड़ा सा ऑर्नामेंटल टाइप का टेस्ट लगे, ताकि उसका एक अलग ही क्रिएटिविटी लुक नज़र आए। तो उसको हम देख लेना पड़ेगा कौन कौन सा फ्लावर में उसका लुक और क्रिएटिविटी अच्छा लग रहा है, उसी फ्लावर को हमें रखना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा कुछ रखेंगे तो उसका लुक उतना अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पे भी इसका भी लुक अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ये वाला मोटिव वगैरह हम यहाँ पे रखें, इसको थोड़ा सा छोटा करें, या तो हम एक काम कर सकते हैं, इस पर्टिकुलरली ये पोर्शन को कटआउट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जस्ट ये वाला पोर्शन को कटआउट कर लेते हैं, पत्ती वाला पोर्शन को कट करते हैं इस तरीके से। एंड
दैट्स इट, एंड इसको पूरा कटआउट करके एक दूसरा नया लेयर में ले लिया। तो ये एक अलग आपका फ्लावर का बंच हो गया, जो कि आपको फ्लावर में आपको कभी भी यूज़ कर सकते हैं दूसरा कोई भी मोटिव के साथ। ठीक है, तो आपका फ्लावर बंच हो गया, एंड इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जस्ट एक ही फ्लावर का बंच से दो तीन अलग अलग बंच क्रिएट कर लेना, ताकि आपके लिए ईजी हो एंड आप इजीली उसके मोटिव को आप फाइंड आउट करके उसको यूज़ कर पाए। एंड आप चाहे तो देन आप यहाँ पे इसको कुछ अलग लिंक रख सकते हैं, ताकि और थोड़ा सा अलग लुक आए, या तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी रख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आप अपने डिज़ाइन में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जब आप डिज़ाइन बनाएंगे उस टाइम भी आप बहुत सोच समझ के बहुत आराम से एक बहुत क्रिएटिविटी से डिज़ाइन बनाएंगे, आई होप, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल आएगा आई थिंक। एंड इसमें हमने यहाँ पे एक प्लेसमेंट करने का कोशिश किया, देखिए ठीक ठाक तो मुझे लग रहा है इसका प्लेसमेंट, मुझे अभी तक के लिए ठीक ही लग रहा है। एक बार कोई इशू अभी तक कोई मुझे नहीं लग रहा है। अगर हम चाहें तो ये वाला जो फ्लावर है उसको भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। बिकॉज हमें एक यहाँ पे एक फ्लावर का बंच का लुक दिखाना है, इसका एक फ्लावर का बंच के साथ साथ एक ऑर्नामेंटल टाइप का लुक यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम फ्लावर का बंच रखेंगे जिसके लिए ऑलरेडी हमने डिसाइड करके रखा हुआ है, जो बड़ा फ्लावर का हमारा बंच है वो बड़ा फ्लावर हम यहाँ पे रख देंगे। दैट्स इट, सो हमने ये वाला फ्लावर का बंच यहाँ पे रख लिया, ये वाला फ्लावर का बंच यहाँ पे थोड़ा सा आ गया, एंड इसको भी थोड़ा सा हम छोटा छोटा कर लेते हैं, ताकि हमारा फ्लावर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना लगे। ठीक है, एंड इस फ्लावर को भी हम यहाँ पे 90 डिग्री में घुमा के यहाँ पे रख देते हैं। बेसिकली फ्लावर का जो पोजीशन है वो ज़्यादा कंजेस्टेड भी ना हो, बहुत ज़्यादा ख़राब भी ना लगे, इसके लिए वो सब हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके, देखिए अभी थोड़ा सा खाली भी लग रहा है, फ्लावर भी एक उसका अच्छा एक लुक क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे जो हमने बड़ा फ्लावर का बंच रखा है वो भी यहाँ पे उसके साथ सुइटेबल हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा टाइप का जो फ्लावर है उसको भी हम अलग अलग टाइप में अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसको भी एक बार मैं बंद करता हूँ। अब ये वाला जो फ्लावर है उसको काफ़ी बड़ा लग रहा है, जिसको हम यहाँ पे एक बार हम इसको शोल्डर की तरफ रखने का कोशिश करते हैं। बिकॉज काफ़ी डिज़ाइन में क्या होता है, वो डिज़ाइन में शोल्डर में एक अलग से कलर होता है, तो शोल्डर में अलग से फ्लावर एक होता है, तो उसका लुक थोड़ा सा अच्छा दिखता है। एंड इसमें हमने क्या किया, ब्लैक कलर को जो ये कलर बर्निंग इफेक्ट दिया वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। एंड देन ये वाला जो हमने इसका टेक्सचर इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया उसको भी मैं इसको सॉफ्ट लाइट कर देता हूँ, या तो दूसरा कोई भी कर सकता है, लाइनर बर्न कर सकते हैं, कोई भी, जस्ट आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है कौन सा चीज़ों में आपको रिजल्ट आए। एक बार सॉफ्ट लाइट करके देखते हैं, सॉफ्ट लाइट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है, हल्का सा इस तरीके से एक लाइट इफेक्ट आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। जस्ट आपको गाइस एक्सपेरिमेंट करते रहना है, जितना आप डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपका रिजल्ट आएगा, आपको हर डिज़ाइन में हर बार आपको बताता हूँ मैं। देन हम यहाँ पे इसका प्लेसमेंट एक बार थोड़ा सा और बेटर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, छोटा, दैट्स इट। ठीक, एंड आप ये वाला जो मोटिव है ना, कई 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 ज़्यादा पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं उसका लुक थोड़ा सा अच्छा आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ज़रूर जो एडिटिंग कर सकते हैं, जो जहाँ पर ज़रूरत पड़े उसके आप सब रख सकते हैं। ओके, एंड ये वाला जो पोर्शन हमने यहाँ पे, जो दूसरा फ्लावर का पोर्शन हमने रखा हुआ था, तो ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम इस बंच के ऊपर रख सकते हैं, ताकि उसका लुक थोड़ा सा अच्छा दिखे। सॉरी, इस तरीके से, ताकि इसके साथ वो मर्जिंग हो जाए, कुछ कर सकते हैं। ओके, एंड हमारा यहाँ पे काम हो गया, इसके ऊपर से हम इसको फ्लावर को हम एक बार यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम फ्लावर को छोटा बड़ा करके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें आपको हर बार बताता हूँ, तो जस्ट आपको अपने हिसाब से देख लेना पड़ेगा। सबने फ्लावर को एक बार यहाँ पे प्लेसमेंट कर दिया, उसका लुक काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, दैट्स इट। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा रहेगा बाकी का जो पोर्शन है, बाकी का जो फ्लावर का पोर्शन है वो हम एक बार करने का कोशिश करते हैं। तो बाकी का लेयर एक बार बंद कर देते हैं, यहाँ पे जो शोल्डर का पोर्शन है वो भी एक बार थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा और लुक दिखाने के लिए, ये वाला पोर्शन ठीक लग रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नेक लाइन बनाते हैं, तो नेक लाइन के लिए आप जस्ट ये वाला जो नेक लाइन है उसके अकॉर्डिंग आप जस्ट फ्लावर भी प्लेसमेंट कर सकते हैं,
जैसे यहाँ पे अलग अलग फ्लावर है तो उस फ्लावर को ही हम प्लेसमेंट कर सकते हैं, या तो ये वाला जो व्हाइट फ्लावर हमने यहाँ पे लिया है तो वो फ्लावर को भी जस्ट इसके अकॉर्डिंग आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ पे दिखा रहा हूँ, इसको छोटा कर लेते हैं एंड इस तरीके से आप ताकि जस्ट एक नेकलाइन जैसा दिखे बेसिकली। ओके एंड इस तरीके से आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं बट इसमें उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है तो इसको मैं नहीं करता हूँ, बस जस्ट एक्सपीरियंस आपको करते हैं देखना है। एंड इस वाला जो नेक लाइन है उसको आप जस्ट कंट्रोल जे करके यहाँ पे आप इस तरीके से घुमा के रख सकते हैं ताकि आपको एक पूरा जो कवर्ड नेक है वो उस टाइप का लुक आ जाए। और आप दूसरा भी कर सकते हैं, इसको आप जस्ट कंट्रोल हॉरिजॉन्टल करके इस तरीके का जो लुक है वो भी आप ला सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा 180 डिग्री में घुमा देता हूँ एंड इसमें जो लुक आ रहा है इस टाइप का, या तो ये रख सकते हैं या तो आप ये रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेना है कौन सा लुक अच्छा रहा है एंड ऑलवेज आपका इसका जो सेंटर पोर्शन है वो आपको देख लेना है कौन सा सेंटर पोर्शन आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल ए दबा के सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे एंड इसके ऊपर सेंटर पोर्शन में ग्रीन लाइन हम ले लेंगे। ओके तो हमारा सेंटर पोर्शन आ जाएगा एंड इस तरीके से हमने सेंटर पोर्शन को देख लिया। ओके तो एक बार हमने इसको नेक लाइन इसी तरीके का रख लेते हैं, बाद में हम इसको बना देंगे एक बार। सो हमारा ऑलमोस्ट दो तीन काम अभी कंप्लीट हो गया। एक हमारा बैकग्राउंड टेक्सचर आ गया, इसमें हम इसमें दामन टाइप का पूरा एक अच्छे से अच्छा फ्लावर एंड इसका प्लेसमेंट अच्छे से अच्छा कर लिया हमने। ये वाला फ्लावर जो मुझे थोड़ा सा उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है, देखते हैं बाद में उसको क्या करेंगे। एंड ये वाला फ्लावर भी उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे रखने के लिए ठीक है। एंड इसको हम अगर इसको 90 डिग्री में घुमा के यहाँ पे रखना चाहे तो भी एक बार ठीक लगेगा, बट यहाँ पे उसका लुक उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है वही वाला पोर्शन को ये क्या कहते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि ये पोर्शन बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, उस पोर्शन को अगर कवर अप हम करना चाहेंगे तो कंट्रोल जे दबाते हैं एंड उस पोर्शन को जस्ट कंट्रोल टी दबा के यहाँ पे रखते हैं एंड जितना भी इसका लेयर मास्क है उसके एक बार माइनस करते हैं। ठीक है एंड देन इसको मर्ज कर लेते हैं। अब मर्ज करने के बाद क्या होगा, सॉरी कंट्रोल आर दबानेंगे, अब मर्ज करने के बाद क्या होगा, ये टोटल अभी एक ही लेयर में आ गया। अब यही वाला पोर्शन को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। अच्छा, इससे एक मुझे एक आइडिया आ गया, और एक चम चीज़ जो कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लुक आ सकता है। जैसे कि ये वाला पोर्शन जो हमने ये पर्टिकुलर पोर्शन में जो बर्फ का डिज़ाइन लिया है उसको हम अगर कंट्रोल जे करके कॉपी कर लेते ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको भी डाल सकते हैं तो उसका लुक और थोड़ा सा बेटर लगेगा, है ना। अब हम इसके ऊपर अगर फ्लावर रखेंगे तो इसका लुक और थोड़ा सा बेटर लग रहा है ना। तो इस तरीके से जस्ट आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है गाइस, जिसमें आपको अच्छा लुक आए वो आपको हमेशा क्रिएट करना है। कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बना लिया वो सही एकदम में हो जाएगा, एक बार में सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बना लिया, अब उसमें क्या करेंगे, एक चीज़ हम जो कर सकते हैं उसका हम अल्टर शिफ्ट वाई दबा लेते हैं, जो कि ल्यूमिनेंस, या तो ल्यूमिनेंस आप यहाँ से भी कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट जो है अल्टर शिफ्ट वाई। तो इस तरीके से आप इसका पूरा ल्यूमिनेंस मोड डाल सकते हैं। उसके बाद आप जो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, या तो इसमें थोड़ा सा मास्किंग कर लीजिए, मास्किंग करने के बाद अब ब्रशिंग टूल लीजिए, या तो कोई भी आपके अगर ब्रशिंग टूल है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा ऑलरेडी मेरे पास ब्रशिंग है रखा हुआ, इस तरीके से आप कोई अगर इकत टाइप का ब्रश आप इसमें डालें तो उसमें भी आपका अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। देखिए ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। यही वाला पोर्शन को थोड़ा सा आप ओपेसिटी कम कर लिए एंड इसको अगर यहाँ पे आप प्लेस करेंगे, देखिए एंड इसको अगर आप 90 डिग्री में घुमा के आप यहाँ पे प्लेस करें एंड इसका जो मास्किंग है वो आप अगर पूरा निकाल दे एंड देन आप फिर से मास्किंग कर दे थोड़ा सा बड़ा या छोटा 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 करके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एंड जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप जस्ट इसको पूरा बना सकते हैं एंड देन आप ये वाला जो पूरा पोर्शन में इसको जो हमने बनाया उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, इसको हम जस्ट 90 डिग्री में घुमा लेते हैं एक बार। 90 डिग्री में घुमाने में अच्छा लुक नहीं आएगा,
इसी को हम थोड़ा सा और ब्रशिंग इफेक्ट देके देख लेते हैं, उसका लुक थोड़ा सा और एलिगेंट बना सके कि नहीं। एंड इसको अगर हम मास्किंग में जाके थोड़ा सा ब्रश को माइनस कर लेते हैं, एंड इस तरीके से थोड़ा सा ओपन भी कर लेते हैं, एंड जिसको जहाँ पे ज़रूरत है फिर हम उसको कटआउट कर लेते हैं इस तरीके से। जस्ट आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एंड मास्किंग के बारे में भी आपको अगर नॉलेज चाहिएगा, इस मास्किंग को आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मास्किंग के बारे में आपको और भी डिटेल में जानना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अब एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिसमें आपको मास्किंग के बारे में आपकी और भी आइडियाज़ में दे दूंगा, जिसमें आपको और भी क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मास्किंग में एक अलग अलग इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसमें आप यहाँ पर भी इसको अलग से यहाँ पर रख सकते हैं, 90 डिग्री में हमने घुमा लिया एंड इसको यहाँ पर आपने रख लिया। तो इस तरीके से आपको जितना एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ आपको। एंड इसमें आपको यहाँ पे रख लिया एंड इसको भी मास्किंग का थोड़ा सा अपने पोर्शन चेंज कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बट ज़्यादा हम इसमें इस मोटिव को भरेंगे नहीं तो उसका लुक भी थोड़ा सा ख़राब देख सकते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने एक मोटा मोटी एक मोटिव का पूरा लुक अच्छा देने का कोशिश किया, एंड इसका एक पूरा डिज़ाइन का फॉर्मा हमने बनाया। अब इसमें एक थोड़ा सा हम नेकला एक अलग से बना सकते हैं, एंड जो बॉर्डर हमने यहाँ पे लिया है उस बॉर्डर को हम अगर एज ए नेकलाइन हम यूज़ करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, वो भी आपको टेक्निक दिखा देता हूँ एक। जैसे हमने यहाँ पे एक बॉर्डर लिया, उसको हम जस्ट कंट्रोल 90 डिग्री का घुमा देते हैं, एंड इस बॉर्डर को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको हम जस्ट 90 डिग्री में थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, इसको हमने घुमा लिया। एंड जो हमारा ये वाला पोर्शन में बॉर्डर है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते या तो कट कर लेते हैं। जस्ट आपका एक नेकलाइन जैसा तैयार हो रहा है, इस तरीके से आप नेकलाइन भी एक बना सकते हैं, वही टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट बॉर्डर का कोई पोर्शन आपने ले लिया, एंड नेकलाइन में ऑलवेज आपको ध्यान नहीं रखना है कि उसका जो मोटिफ है वो अपवर्ड होना चाहिए। जैसे ये वाला जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम अगर इसमें जस्ट अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली घुमा देता तो भी हम कर सकते हैं, बस इसका हम जस्ट अगर एक पर्टिकुलर पोर्शन को लेके करेंगे तो उसका लुक और थोड़ा सा बेटर लग सकता है, इसलिए मैंने ये टेक्निक भी आपको बता दिया। बेसिकली जितना आपको बताएंगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा, एंड जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने खुद से उतना आपका डिज़ाइन का लुक अच्छा आएगा, एंड आप अपने हिसाब से डिज़ाइन आप बेटर बना पाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हमने एक पूरा बना लिया, एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दैट्स इट। एंड ये पर्टिकुलर पोर्शन को एक बार यहाँ पे लेते हैं, एंड इसका कुछ पोर्शन हम अगर कट करते हैं, कोई पोर्शन कॉपी करते हैं, एंड उसी पोर्शन को हम 90 डिग्री में घुमा लेते हैं वर्टिकल, एंड इस तरीके से आप उसको बाउंड्री दे दीजिए, इसका सेंटर पोर्शन हम देख लेते हैं, ये वाला है इसका सेंटर पोर्शन है, परफेक्ट। इसको इरेज करते हैं, एंड दैट्स इट। एंड इसको एक बार हम कन्वर्ट टू स्मार्ट एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा ये मेंटेन रहे, कभी भी हम इसको छोटा बड़ा करेंगे तो उसका साइज ज़्यादा पिक्सेलेट ना हो, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट एडजस्ट कर लिया। एंड इसको हम जस्ट यहाँ पे अगर प्लेसमेंट करेंगे तो देखिए इस तरीके से आप एक नेकलाइन बहुत ईजिली बना सकते हैं, जिसमें आपका उसका जो नेकलाइन है, नेकलाइन का साइज जो है कि 1 इंच या तो 0.75 या तो 1.25 ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1 इंच तक इसका नेकलाइन आपने रख लिया। एंड उसके बाद आप इस तरीके से पूरा डिज़ाइन को सजा सकते हैं, आपको तब ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेकलाइन देते कहना ज़रूरी नहीं है कि आपको एक वाला कोई भी एक पोर्शन में भी आप इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे हमने ये वाला पोर्शन में इसको रख लिया। ठीक है, जो कि डिज़ाइनर सलवार सूट में कुछ भी आप अलग से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसमें आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ।
तो उतना आपका एक्सपीरियंस। एंड गले में आपको बताना चाहूँगा गैस, इसका जो मेजरमेंट है तो ये काफ़ी डिजाइन है, पूछते हैं कि इसका मेजरमेंट सर कितना होना चाहिए, तो भी आपको बता दो इसका जो मेजरमेंट होता है कि कोई डिजाइनर के हिसाब से जिसका जो कुर्ती में जिसका जो सलवार सूट में जिसने जितना उसका विथ इसका काटना होता है, क्योंकि ये जो स्टिचिंग करते हैं जब वो स्टिचिंग होगा एक सलवार सूट में वो एक डिपेंड करते हैं इसमें कितना गले का पोर्शन होना चाहिए। जैसे कोई अगर आज का स्टिचिंग करे इसका 4.5 इंच का स्टिचिंग करे तो क्या होता है ये जो गले का पोर्शन नेक लाइन है वो कम से कम बड़ा होना चाहिए, कम से कम 14 से 15 इंच। अगर कोई स्टिचिंग करे कि नहीं मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए इसका थोड़ा पोर्शन ही मुझे उसके इसको कटिंग करना है, अगर 2 से 3 इंच लेना है तो इसका कम से कम इसको 12 से 13 इंच लेना पड़ता है। तो एवरेजली आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है वो 12 से 13 इंच के लेके एकदम 15 से 17 इंच तक भी हो सकते हैं। तो आपका साइजिंग आपको ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि आपको इतना तक आप ले सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका 14 इंच तक एक बार ले सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप अगर छोटा लेना चाहें तो आप इसको 10 से 12 इंच तक ले सकते हैं मिनिमम, ओके। तो इस तरीके से आपको एक नेकलाइन दे देना पड़ेगा, फ्यू सैचुरेशन भी डिसैचुरेट कर सकता हूँ, ओके। तो हमारा ये यहाँ पे ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पोर्शन में और थोड़ा सा हम फ्लावर देना चाहते हैं या तो ये वाला पोर्शन में और थोड़ा सा कुछ कारीगरी करना चाहेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ फ्लावर दे सकते हैं और कुछ मोटिव हम दे सकते हैं, और उसके लिए हम जस्ट यही वाला मोटिव को थोड़ा सा कॉपी करते एंड इसको कटिंग करने जैसा नहीं है, दूसरा कोई भी एक मोटिव लेते हैं एंड ये वाला पोर्शन को हम जस्ट एक गले के सेंटर में यहाँ पे एक तरीके से एक रख देते हैं इसका लुक थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, दैट्स इट। या तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, बेसिकली जस्ट जो सेंटर पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें रखना पड़ जाता है, तो इस तरीके से हम इसको एक बार रख सकते हैं, ओके। एंड अगर यहाँ पे हम कोई फ्लावर प्लेस करना चाहते हैं या तो हम यहाँ पे कोई एक मोटिव प्लेस करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल हमने मोटिव ले लिया एंड उसी मोटिव को हम अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर लिया, जैसे कि ये वाला जो एक मोटिव है उसी वाला मोटिव को मैंने जस्ट यहाँ पे लिया एंड जस्ट उसको कंट्रोल जे करके कॉपी किया एंड इसको जस्ट मैं इस तरीके से एक दूसरा प्लेसमेंट कर दिया इस तरीके से, जैसे इसमें मैंने फ्लावर यहाँ पे डाला हुआ है तो इसको फ्लावर के नीचे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो दूसरा कोई मोटिव हमारे पास अभी क्या है फिलहाल, ये वाला फ्लावर है और कुछ फ्लावर हमने यहाँ पे रख सकते हैं क्या, ये वाला फ्लावर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ फ्लावर आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, ऐसा कुछ फ्लावर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे रखा हुआ था, एक बार ट्राई कर लेते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हद तक बढ़िया लग रहा है, इसको हम जस्ट यहाँ पे इस तरीके से प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये पोर्शन भी हमारा कवर अप हो गया, ये पोर्शन भी हमारा कवर अप हो गया, अभी काफ़ी अच्छा एक लुक आ रहा है एक डिज़ाइन का, ठीक है। एंड इसमें हम थोड़ा सा अगर थोड़ा सा शॉर्ट और थोड़ा सा अच्छा लुक देना चाहें तो ओवरले लुक कर देते हैं एंड इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ, दैट्स इट, एंड इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इस तरीके से आपका एक टेक्सचरिंग लुक भी अच्छा आ जाएगा, एक आपका एक ओवरऑल पूरा एक अच्छा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा जैसे कि हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग पूरा मोटिव अगर प्लेसमेंट करने की कोशिश किया, ठीक है। और उसमें हमने जो ऑपोसिटी ऑन करके दिखा था जैसे हमने यहाँ पे प्लेसमेंट करने की कोशिश किया था उसी टाइप में हमने पूरा मोटिव को बना लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा इसमें थोड़ा सा हम कलर बैलेंस ऐड करें या तो थोड़ा सा कलर लुकअप ऐड करें ताकि उसका डिज़ाइन का लुक फाइनली अच्छा लगे। तो फोटो फिल्टर में जाते एंड ओवरऑल एक थोड़ा सा हम इस तरीके से आप एक लुक दे सकते, देखिए अब इसमें हल्का सा हम मैजेंटा टाइप इफेक्ट दे तो क्या होगा, ब्लू का जो भी थोड़ा सा जो येलो टाइप का टच था वो पूरा गायब हो जा रहा है एंड पूरा फ्लावर एंड पूरा जितना भी मोटिव है उसमें सब में एक कलर का टच आ रहा है, वो एक काफ़ी अच्छा लुक देता है एक डिज़ाइन में। तो इस तरीके से पूरा एक डिज़ाइन हो गया जिसमें आपका फ्रंट का काफ़ी कंप्लीट हो गया एंड उसके बाद हमारा बैक बनाना बहुत ही ईजी होता है। फ्रंट एक बार कंप्लीट हो जाता है जस्ट अल्टर आई डी करके कॉपी कर सकते हैं एंड उसके बाद आपका पूरा जो फ्रंट अगर आपका हेवी है तो बैक आपका हल्का होगा एंड आपका अगर फ्रंट हल्का है तो आपको बैक थोड़ा सा हेवी होगा। तो हमने फ्रंट एक बार एवरेजली थोड़ा सा हेवी बनाने का कोशिश किया तो उसको फ्रंट का पोर्शन में थोड़ा सा अभी बैक का पोर्शन थोड़ा सा हल्का कर देते, हल्का करने के लिए जस्ट इसी मोटिव में से जाएंगे एंड इसको हम सेंटर पोर्शन में एक बार ले लेते हैं एंड ये वाला पोर्शन को गायब करते हैं, बॉर्डर को भी एक बार हम हटा देते, इसको भी हम हटा देते
एंड ये वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन को यहाँ पे हटा देते हैं एंड इसको हम तेज करते हैं, एंड ये वाला जो पोर्शन है जो हमने टेक्सचर ऐड किया था वो भी एक बार हम हटा देते हैं। ठीक है, या तो हम एक काम कर सकते हैं, पूरा डिज़ाइन में जो कि आप टेक्सचर ही टेक्सचर भर दे सकते हैं, उसका भी लुक काफ़ी अच्छा आ सकता है। जैसे कि हमने ये वाला मोटिफ हमने यहाँ पे यूज़ किया था, वो सारा मोटिफ एक बार हटा दे रहे हैं एंड उसका टेक्सचरल लुक हम अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे जो फ्लावर यूज़ किया था वो भी कोई काम का नहीं लग रहा है अभी मुझे, एंड इसमें जो हमने यहाँ पे प्लेसमेंट किया वो भी मर्ज कर लेते हैं, एंड ये वाला पोर्शन में जो है उसको भी एक बार हम मर्ज करके यहाँ पे डाल देते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते, दैट्स इट, दैट्स इट। अब ये बैक का पोर्शन में थोड़ा सा हमारा यहाँ पे काम आ जाएगा। इस तरीके से हम इस तरीके से यहाँ पे जो पोर्शन है वो पोर्शन को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, ये पोर्शन जरूरत नहीं है। एंड इसको हम थोड़ा सा और अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है। एंड इसी तरीके से पूरा हम इस पूरा बाकी मोटिव को एक बार भर लेंगे तो हमारा लुक थोड़ा सा अच्छा दिख सकता है। एंड इसके साथ जो हमने यहाँ पे पाइपलाइन दिया था वो पाइपलाइन का जो यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर हमने दे दिया। उसके बाद हम जो जो फ्लावर हम यहाँ पे यूज़ किया था वही फ्लावर को एक बार हम बैकग्राउंड में पूरा इसका इसके बैकग्राउंड में हम यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर ओवरलैप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला जो फ्लावर हमने यहाँ पे यूज़ किया था उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, एंड ये वाला फ्लावर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था उसको भी हमने यहाँ पे डाल दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट अपना जो फ्लावर यहाँ पे यूज़ किया था वही फ्लावर को हम जस्ट इसके ऊपर प्लेसमेंट करेंगे तो उसका लुक थोड़ा सा और बेटर आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था इसको, हमने यहाँ पे यूज़ किया था इसको, हमने यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, एंड देन हम सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, कंट्रोल हॉरिजॉन्टल, एंड यहाँ पे ओके, एंड इसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल जे कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल करके, एंड इसको एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए सेंटर पोर्शन में, एंड इसको भी थोड़ा सा सेंटर पोर्शन में होना चाहिए। सो इस तरीके से जस्ट आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से आपको फ्लावर का थोड़ा सा टच आपको दे देना है। एंड इस पर्टिकुलर पोर्शन को थोड़ा सा हमने सिलेक्शन करके 20 या 30 पिक्सल हमने सिलेक्शन ले लेते हैं, एंड यहाँ पे हम दूसरा एक लेयर लेते हैं जिसमें हम इस कलर को फिल कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका एक पूरा डिज़ाइन का इफेक्ट आपका एक आ जाएगा जिसमें आपका बैकग्राउंड एक हो गया ये वाला। एंड उसके बाद आप अगर इसका स्लीव बनाना चाहते हैं, जैसे इसका मैं अगर थोड़ा सा आपको खोल के दिखाऊँ, जैसे इसको विंडोज़ में जाते हैं एवरेज करते हैं अरेंज करके दो अलग अलग मैंने उसको अलग अलग, ये वाला हमारा फ्रंट हो गया, ये वाला हमारा बैक हो गया, तो फ्रंट और बैक काफ़ी थोड़ा सा अलग भी दिख रहा है, उसका लुक भी थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। इसी में से हम अगर स्लिप क्रिएट करना चाहते हैं अल्ट्रा आई डी
एंड इसमें जो कि हम दो अलग अलग टाइप का स्लीव भी आता है गाइस, सबको बताना चाहूँगा। इसका थोड़ा सा पतला स्लीव आता है, इसका छोटा स्लीव जो आता है अकॉर्डिंग इसका 32 इंच का डिज़ाइन में क्या होता है, हमें 44 में टोटल डिज़ाइन को सेटअप करना पड़ता है। तो इस डिज़ाइन के हिसाब से हम इसमें अगर 13 इंच का पूरा स्लीव लेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा लुक आ सकता है, जैसे कि ये वाला पूरा हमने स्लीव ले लिया, तो ये हमारा एक स्लीव का काम कर सकते हैं। एंड इस वाला जो मोटिफ हमने यहाँ पे यूज़ किया उसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। देखो स्लीव में क्या होता है, थोड़ा सा मोटिफ छोटा आया तो उसका लुक थोड़ा सा और अच्छा एंड बेटर दिखता है। ओके एंड देन ये वाला फ्लावर को हमने यहाँ पे सेम इसी वाला जो फ्लावर है जस्ट ठीक है, तो ये आपका एक स्लीव का काम कर सकते हो। ये हमारा स्लीव हो गया, तो हमने अब इसको सेव कर देते हो, जो कि हमारा फोल्डर है सलवार सूट का मोटिव हमारा हो गया, तो इसको स्लीव करके सेव कर देते, स्लीव एंड इसको बैक सीके एंड इसको हम फ्रंट करके सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इसको पूरा हम असेंबलिंग करते हैं, तो अल्टर आई डी करके पूरा असेंबलिंग कर देते हैं, इसको हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद पूरा हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, क्योंकि हमने फ्रंट बैक एंड स्लिप को एक बार सेव करके रख लिया पूरा एक फाइल में। देन अब इसको हम असेंबलिंग कर लेते हैं, पूरा इसको फाइल को सजा लेते हैं। अब सजाने के लिए क्या करेंगे, 44 में टोटल हम इसको साइज रखते हैं, तो 45 एक बार इसका विथ ले लेते हैं हाइट, एंड इसमें हम स्लिप डाल देंगे। एंड इसको भी हम सेव कर लिया, इसको हम अल्टर ए लेफ्ट करके पूरा हम फ्लैटन कर देते हैं। फ्लैटन हो जाए तो कंट्रोल सी दबा के कॉपी करते हैं, डब्लू कंट्रोल डब्लू करके बंद कर देते हैं। देन इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, एंड पेस्ट करने के बाद हम इसको वर्टिकली घुमा देते हैं, दैट्स इट। अब हमारा दूसरा काम होगा, इसको कैनवस साइज बढ़ा लेते हैं, परसेंटेज में जाते हैं, 200% करते हैं, एंड देन बैक को भी हम अल्टर लेफ्ट करके पूरा फ्लैटन मार लेते हैं। फ्लैटन मारने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम रहेगा उसको हम जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, तो हमारा बैक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लैटन मार लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू पूरा हमने इसको क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इसको पोस्टपोन में सिलेक्ट करने जाएंगे, एंड देन इसको कंट्रोल टी दबा के यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकल कर लिया, तो हमारा बैक हो गया फ्रंट हो गया। अब ये वाला पोस्टपोन को जस्ट इस तरीके से आप ड्रैग करके यहाँ पे डाल सकते हैं, और अब जो ईजी एक शॉर्टकट है, जस्ट तो कंट्रोल जे दबाया एंड कंट्रोल ए अल्टर ई ए वी, तो आपका वर्टिकली वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप पूरा फ्रंट बैक का स्लीव बना लिया, तो आपका पूरा आपका जब पूरा फ्रंट बैक स्लीव का पूरा कंप्लीट हो जाए, देन आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का जो भी एक फ्रेमिंग आप करके रख सकते हैं, जो कि मेरा यहाँ पे करके रखा हुआ है फ्रेमिंग करके, तो इस तरीके से फ्रेमिंग आप कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी, यानी यहाँ पे जस्ट आप अगर इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका पूरा इसका स्ट्रक्चर दिखाता है, आपका पूरा एक फ्रंट का लुक कैसा होगा, फ्रंट का लुक इस तरीके से हो सकता है, बैक का लुक इस तरीके से हो सकता है, एंड उसका जो स्लीव है वो इस तरीके से कुछ दिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से बहुत इजीली कोई भी कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक गाइस आपको जस्ट मैं नॉर्मली कोई भी एक सलवार सूट का डिज़ाइन का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो आपको समझने की कोशिश किया, फ्रंट कैसा होता है, बैक कैसा होता है, एंड बैक का मेजरमेंट कैसा होता है, फ्रंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। एंड आई नो इस डिज़ाइन में आप अगर थोड़ा सा और टाइम देंगे, थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में करने की कोशिश करें तो और अच्छा डिज़ाइन बन सकते हैं गाइस, बिकॉज क्या है कोई भी एक डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ा सा आपको पहले से प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड जो कि मैं ट्रैवलिंग में था, आज थोड़ा सा मैं बाहर था इसलिए मैं वीडियो बना नहीं चाहता था, बट जो कि मैंने वादा किया था संडे को आप लोगों को वीडियो देना है, इसी के लिए मैंने पूरा डिज़ाइन को मैंने जस्ट बनाया अपना लैपटॉप में, एंड पूरा इसको आपको जस्ट बनाने का वीडियो देने की कोशिश करो, ताकि आपको जस्ट समझ में आया कि कैसा एक सलवार सूट का डिज़ाइन बनाया जाता है, उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली एक मोटिव कैसे लिया जाता है, उसमें मोटिव को कैसे प्लेसमेंट किया जाता है, एंड उसमें बैक कैसे बनाया जाता है, उसमें फ्रंट कैसे बनाया जाता है, स्लीव कैसे बनाया जाता है, एंड उसका जो साइजिंग है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 32 इंच का पूरा हमने यहाँ पे इसका फ्रंट का साइजिंग लिया विथ एंड बैक भी वही 32 इंच का, एंड इसका जो स्लीव का साइज लिया हमें 13 इंच का साइज लिया इसका स्लीव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत इजीली एक सलवार सूट का डिज़ाइन बना सकते हैं, एंड जरूरी नहीं है गाइस यही साइजिंग हो, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में कि आपका जो भी पूरा सलवार सूट का डिज़ाइन होगा उसमें आपको साइजिंग बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आता है। कोई डिज़ाइन होता है जो कि 44 इंच का साइजिंग होता है उसका विथ, कोई डिज़ाइन होता है उसका 45 इंच होता है विथ, एंड उसका हाइट होता है 48 इंच का। तो इसी तरीके से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट का साइज आता है, जब हम नेक्स्ट लेवल में कभी हम सलवार सूट का डिज़ाइन बनाएंगे तो उस टाइप का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सलवार सूट का डिज़ाइन का कंसेप्ट भी आपको मैं दे दूंगा। ओके, एंड इसको मैं अभी सेव करता हूँ।
ठीक है। सो आई थिंक गाइस आपको पूरा सलवार सूट का डिजाइन का जो भी कंसेप्ट आपको मैं बताने की कोशिश किया जो आपको समझ में आया होगा, एंड यहाँ पे जो भी आपको मोटिव यहाँ पे दिख रहा है वो सारा मोटिव मैं आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप बहुत इजीली इस तरीके से पूरा सलवार सूट का डिजाइन है बना पाए। एंड ये वाला मोटिव जो भी मैं आप यहाँ से डिजाइन है बना है वो आप मैं कोशिश किया हूँ थोड़ा सा अच्छा डिजाइन बनाने का। आई नो उतना बेटर नहीं बना है बट आई थिंक आप मेरे से ज़्यादा बेटर कर पाएंगे बिकॉज आप मेरे से ज़्यादा एफर्ट डाल के पूरा डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यही वाला मोटिव से मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप यही वाला मोटिव से पूरा आप एक नया सलवार सूट का डिजाइन बनाएं, नया सलवार सूट का डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि आपका जो भी डिज़ाइन में प्रॉब्लम है या तो जो भी डिज़ाइन में थोड़ा सा गलती है वो आपको मैं थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आप मेरे से भी बेटर डिज़ाइन बनाएं तो आपको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस।